remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm my... Hello guys, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 PM हो रहा है आज. और आज मैं हमेशा की तरह ये थानू वाली रोड में, जहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उस तरफ आया हूँ शाम की राइड लेने, क्योंकि आज भी मॉर्निंग में टाइम नहीं लगा. सो इसलिए मैं अपनी मैनचेस्टर 91 के साथ यहाँ पे आया हूँ इवनिंग की तरफ. आगे काफ़ी अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे लाइट है, तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू दे दिया जाए अपनी 91 मैनचेस्टर का, जिससे आई थिंक मुझे 1 month हो चुका है अराउंड. और इसमें मैं लगभग 200 प्लस किलोमीटर की राइड ले चुका हूँ. इसमें मैंने कुछ एसेसरीज लगाई हैं जो मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये मरगाट एंड बॉटल होल्डर तो इसमें मिला था, ये मैंने एक फ्रॉक का ही ये लॉक लिया था, इसका प्राइस अराउंड 300 था. एंड ये मैंने एक अमेज़ॉन से ऑनलाइन इसका जेल वाला सीट कवर मंगाया. मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, उसमें बताया गया था कि फॉर्म वाला इतना बेटर नहीं होता, सो मैंने ये जेल वाला मंगाया था. ये भी अराउंड 500-600 के अराउंड आया था. एंड अभी मैंने इसके लिए आगे LED लाइट मंगाई है अमेज़ॉन से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा. बैक में भी इसके लिए मैंने एक सोलर से चार्ज होने वाली एक लाइट मंगाई है. वैसे इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, बट फिर भी अगर लाइट रहेगी तो नाइट की राइड्स में बेटर रहेगा, जैसे कि मुझे ज़्यादातर इवनिंग में ही टाइम मिलता है. सो जैसे ही टाइम मिलता है मैं निकल पड़ता हूँ अपनी मैनचेस्टर 91 के साथ. सो बाकी साइकिल के बारे में आपको मैं ये बताऊँ कि अभी तक तो साइकिल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी अभी तक. इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम से लेके शॉकर सिस्टम से लेके सब कुछ बहुत ही परफेक्ट अभी तक काम कर रहे हैं. एंड इसका मेरे को अभी 6 months में 2 सर्विस फ्री है इसके साथ. सो 3 months जब हो जाएंगे इसको, इसका मतलब 2 month बाद मैं इसको सर्विस सेंटर ले जाऊँगा फर्स्ट टाइम. बाकी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रही है ये साइकिल. अपने फ्रेंड्स को मैं बता दूं कि इसमें बैक में जो गियर शिफ्ट है वो है शिमानो ऑल्टर्स का, जो कि मैं चाहता था कि शिमानो ऑल्टर्स ही हो, क्योंकि मैंने इसका काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये. और इसका फ्रंट में इसका है शिमानो टॉर्नी, जो कि बेटर है, वो भी ठीक है. और इसमें आप देखेंगे शॉकर्स दिए गए हैं जूम के, ये भी काफ़ी बेहतरीन है. सो गियर सिस्टम भी मुझे इसका अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल. एंड इसकी जो हैंडल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी ग्रिप दी गई है इसकी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अगर आप ग्लव्स पहन के चलाते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ विदाउट ग्लव्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है इसको राइड करना, इसका हैंडलिंग सिस्टम.